कोरोना महामारी के दौरान परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं और अब बच्चों की पढ़ाई को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि बच्चों का एक साल खराब होने के कगार पर है। अगर सरकार स्कूल खोलने की बात करती है तो इसके लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए? हमीरपुर में स्कूलों को खोलने को लेकर स्कूल में किस तरह की तैयारियां हैं, इस पर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी कन्या विद्यालय हमीरपुर में कोरोना महामारी के दौरान स्कूल खोलने के लिए आदेश मिलने से पहले ही पूरी तैयारी की जा चुकी है। स्कूल प्रिंसिपल विजय गौतम के अनुसार स्कूल को कई बार सैनिटाइज करवाया जा चुका है और स्कूल में बोर्ड के बच्चों को बिठाने के लिए पूरी एहतियात कर तैयारी की गई है। साथ ही स्कूल के कमरों में सैनिटाइजर के अलावा स्कूल पहुंचते ही बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभिभावकों के सुझाव को देखते हुए ऑड एंड इवन में बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा ताकि पढ़ाई सुचारू हो सके। वहीं बच्चों के अभिभावकों की बात की जाए तो अभिभावक अभी कुछ घबराए हुए हैं और अभिभावकों का कहना है कि स्कूल भेजने से पहले सुनिश्चित होना चाहिए कि स्कूल में बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने बताया कि स्कूल में कोरोना महामारी से बचाव के लिए पूरी तैयारियां हो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल हो, तभी बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे। सर, स्कूल खुल जाए तो खुलने से तो ऐसा कि बच्चे ठीक कर लेंगे पढ़ाई पर, ये है कि उनको जैसे हम घर में तो हम इसको जैसे पूरा वो करवा सकते हैं कि हैंड वॉश वगैरह करवा रहे हैं, तो ये हम ये चाहते हैं कि जैसे स्कूल में भी जैसे पूरी वो होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए कि पूरा वो मतलब हो, तो हम कोई वो नहीं है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। मतलब कोरोना बचाव से जी तो हाँ, बहुत तैयारी होनी चाहिए स्कूल में भी बच्चों को। जैसे हम तो घर में तो अपनी सेफ्टी के लिए पूरा हमने बंदोबस्त किया है अपने बच्चों के लिए, पर जैसे हमने स्कूल भेज दिया तो हमें थोड़ी पता कि क्या कर रहे स्कूल में, बच्चा किससे मिल रहा है किससे नहीं कर रहा है, इसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये है कि पूरा अगर हो तो हम स्कूल भेजने के लिए बच्चे को ये तैयार है बच्चे को स्कूल भेजने के लिए। अभिभावक मनोज कुमार का कहना है कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल नहीं खुलने चाहिए। उन्होंने बताया कि छोटे बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सही ढंग से पढ़ाई स्कूल में हो सकती है। मेरी अपनी पर्सनल राय है कि नहीं खुलने चाहिए, बाकी बड़े बच्चों की अगर पेरेंट्स इच्छुक हैं तो शायद वो बोलना चाहे तो खुल जाए। तो बहुत हैं छोटे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बैठ रहे हैं, अगर बैठ रहे हैं तो प्रॉपर ढंग से काम नहीं हो रहा है और किसी टाइम नेट की समस्या हो रही है, किसी टाइम कनेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा है, और ऑनलाइन स्टडीज़ में बच्चों को समझाना बहुत बड़ी मुश्किल का विषय है। तो छोटे बच्चे हैं जो 6-7 तक हैं, 8 तक हैं, उनको तो बेचने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इस तरह बीमारी जो इस टाइम वो ज़्यादा फैली हुई है। हाँ, जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत हो सकता है कि विचार अगर वो उनके पेरेंट्स माने तो वो इच्छुक हो तो उनको भेज सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को भेजने की इच्छुक नहीं। बच्चे आसपास होंगे आपके, अपने बच्चे क्या मानते हैं, स्कूल खुलने चाहिए? स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन कोरोना के बारे में पहले प्रॉपर तरह से प्रिकॉशन हो तब तो स्कूल खुलें। अगर स्कूल में बच्चे भेज दिया और हालात स्कूल बच्चे तो गए, परिवार भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर सरकार की तरफ से ये हो जाए कि प्रॉपर प्रिकॉशन हो जाए तो इंस्टीट्यूट के बिना तो बच्चों का भविष्य ही नरक है। अभिभावक मुनीश पुरी ने बताया कि स्कूल खुलने चाहिए लेकिन पूरी तैयारी के साथ स्कूल खुलने चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों को एक साथ नहीं बुलाना चाहिए और स्कूल में भी कोरोना बचाव के लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। को यही बताया कि स्कूल खुलने चाहिए लेकिन फिलहाल बड़े बच्चों के लिए, जो बड़ी क्लासेस हैं उनके लिए स्कूल खोलें, 10th 11th और +1 +2 इनके लिए जो स्कूल है वो खोलें, और उसमें भी इसमें ये कर दें कि अगर आपके स्कूल में इन तीन क्लासों की जो संख्या है वो अगर 100 है तो वो आज 50 बच्चे आएंगे, नेक्स्ट डे 50 आएंगे, तो अल्टरनेट वाइज ये स्कूल जो है बच्चों को बुला के ये खोलने चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, सरकारी स्कूलों में से भी ऑनलाइन हो रही है, प्राइवेट स्कूलों वालों भी कर रहे हैं। प्राइवेट वालों का थोड़ा उन्होंने अपने जो चीज़ें हैं वो खरीदी हुई हैं, उनके जो जिस प्रोग्राम पे वो लोग करते हैं तो उनका प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो आपके व्हाट्सएप या उस चीज़ों पे काम कर रहे हैं या इस तरह का है वो कोई बहुत अच्छा नहीं रिस्पॉन्स हो पा रहा है। बच्चे भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले पा रहे हैं, पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह उन्हें पढ़ाएं। अब जो एजुकेशन बड़े बच्चों की है, छोटे बच्चों को तो चलो पेरेंट्स पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं +1 +2 वाले, उनके जो
चीज़ें हैं, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो टिपिकल होते हैं और वो टीचर ही उन्हें अच्छी ढंग से समझा सकते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इस समय हालात हैं और जिस तरह COVID-19 इस तरह इस टाइम बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम स्कूल खुलने चाहिए और बच्चे भी छोटे हैं। जो छोटी क्लासेस हैं उन्हें तो वैसे भी अभी मेरे को लगता है ये साल उनके लिए तो शायद बंद ही रहेगा। हाँ, जो जैसे 10th है या प्लस 2 है, जिन बच्चों के फाइनल्स पेपर होने हैं उनके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए और उनकी स्टडीज़ का भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों ने अगले साल कहीं ना कहीं निकलना है। जो 10th से +1 +2 में जाएगा उसके कैरियर का सवाल है, और जो मेन +2 वाले बच्चे हैं उनको तो बहुत अहमियत इस चीज़ की हो जाती है, क्योंकि वो +2 के पेपर देके आगे निकलेंगे, तो उनके लिए सरकार को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और उन बच्चों को तो स्कूल लगने चाहिए, उन ये 2 क्लासेस के स्कूल जरूर लगने चाहिए थोड़ा अक्टूबर तक के, अक्टूबर के बाद, मेरा कुछ ऐसा मानना है। वहीं स्कूली बच्चों कोमल और अभिनव का कहना है कि घर पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाई ज्यादा बढ़िया तरीके से होगी। बच्चों का कहना है कि अब काफी समय हो गया है और अब स्कूल खुलने चाहिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्कूल में ज्यादा पढ़ाई होती है घर में? जैसी स्कूल में होती थी वैसे ही घर में। स्कूल में जो अभी ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है उसमें कितना आपको समझ आता है या कितना नहीं आता है? ऑनलाइन जो पढ़ाई करवा रही है हमें स्कूल में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है पढ़ना। डिप्टी डायरेक्टर सेकेंडरी दिलवरजीत चंद्र का कहना है कि 31 अगस्त तक सभी शिक्षण संस्थान को बंद किया गया है और जैसे ही सरकार की गाइडलाइन आती है उसके हिसाब से स्कूलों में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल खुल जाते हैं तो शिक्षा क्षेत्र के लिए अच्छा होगा और बच्चों के भविष्य के लिए भी बढ़िया होगा। अभी मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा। ईपीटीएम हमारा 11 तारीख को हमने इसकी फाइनल रिपोर्टिंग ली और विभाग ने वो अपने पोर्टल पे भी डाला है। मिला जुला रिस्पांस जो है वो अध्यापकों की तरफ से और आया है, जो उन्होंने फीडबैक पेरेंट्स से ली है। तो कुछ अध्यापक जो हैं उनका मानना है कि अभिभावकों ने जो उन्हें बताया कि अभिभावकों की इच्छा अनुसार बोर्ड क्लासेज, बड़ी क्लासेज जो हैं वो इवन ऑड फार्मूले से शुरू कर दी जाएं,